हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। देखिए, आज आप लोग को थोड़ा सा दिखाता हूँ अपने होम टाउन का थोड़ा ओवरव्यू। ये मैं अभी आया हुआ हूँ हरिश्चंद्र स्टेडियम में। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा फील्ड है, यहीं पे 15 अगस्त भी मनाया जाता है और बहुत सारे कार्यक्रम भी होते हैं और बच्चे क्रिकेट और वॉलीबॉल वगैरह खेलने आते हैं यहाँ पे। एक तरह से आउटडोर स्टेडियम की तरह है ये, और भी लोग बहुत तरह का गेम खेलते हैं यहाँ से। बहुत सारे चैम्पियनशिप्स का आयोजन भी किया जाता है। सो देखिए, आप लोग को दिखाता हूँ थोड़ा ओवरव्यू स्टेडियम का। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी मैदान में रावण दहन भी किया जाता है दशहरा के मौके पे, और बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। सो काफ़ी अच्छा फील्ड है। इधर बैठने की व्यवस्था की गई है। देखिए ऊपर से व्यू, हरिश्चंद्र स्टेडियम नाम है इस मैदान का। अभी तो बारिश के वजह से थोड़ा बहुत पानी भी भरा हुआ है, नहीं तो वैसे सही रहता है। इधर भी एक थोड़ा सा बनाया गया है राज्य स्तरीय या जिला स्तरीय, जब खेलों का आयोजन किया जाता है तो इसी में खिलाड़ी लोग रुकते हैं। इधर देखिए बनाया गया है ये, और मैदान भी काफ़ी बड़ा है, आप लोग देख सकते हैं हरिश्चंद्र स्टेडियम। एज यू गाइज नो दैट आई एम न्यू टू दिस चैनल, सो आई वॉन्ट यू टू प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, सो दैट आई विल गेट अ बूस्ट अप टू अपलोड मोर वीडियोज एंड कीप इंटरटेनिंग एंड कीप इंफॉर्मिंग यू गाइज। सो गाइज, स्टे विथ मी बाय माई चैनल, आई विल टेक यू थ्रू टू एक्सप्लोर द डिफरेंट प्लेसेस अराउंड द कंट्री एंड मे बी समटाइम्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, विच एवर यू वॉन्ट टू ट्रेवल। So guys, keep in touch with me on this channel. So kindly subscribe to it. So guys, मैं वहाँ से निकल गया हूँ। अब मेरे पास अभी पॉकेट में पैसे नहीं हैं, तो मैं सोच रहा हूँ चलता हूँ CSE सेंटर से पैसे निकाल लेता हूँ कुछ, और वहाँ से कुछ सामान वगैरह परचेजिंग कर लूँगा। इसलिए चलिए फ्रेंड्स, भीड़ भाड़ और ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है यहाँ पे। देखिए बाप रे, पॉसिबल सा हो गया, एकदम कोरोना का एकदम बिल्कुल ही खौफ चला गया है। जहाँ देखिए वहाँ गाड़ियाँ पों पाँ, पता नहीं क्या हो रहा है। इस तरह से इतनी भीड़ भाड़ में ब्लॉगिंग करना भी काफ़ी टफ हो गया है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे ATM तो है SBI का, लेकिन यहाँ से मैं पैसे नहीं निकालूंगा क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबी लाइन है। इतनी देर लंबी लाइन में लगना बहुत टफ है। हाँ, एक यहाँ पे देखिए PNB का ATM मिला, तो सोच रहा हूँ यहीं से निकाल लेता हूँ, पर इस ATM में काम चल रहा है अभी। ये CSE सेंटर से ही निकालना पड़ेगा, ग्राहक सेवा केंद्र, मैं अक्सर यहीं से पैसे निकालता हूँ। गाइस फाइनली मैंने पैसे भी निकाल लिए हैं, अब चलिए शॉपिंग करने चलता हूँ। थोड़ा बहुत पेट पूजा भी कर लूँगा साथ में। सेंटर से पैसे निकालने का एक बेनिफिट है कि आपको ज़्यादा देर लाइन में नहीं लगना पड़ता, और डायरेक्ट आप पैसे सिर्फ UPI ट्रांजेक्शन से पैसे ट्रांसफ़र करो और तुरंत आपको आपके पैसे निकल जाते हैं। सिर्फ 10 रुपये एक्स्ट्रा लगता है बस। गाइस मैंने सामान भी परचेजिंग कर लिया है, देखिए अब जाऊंगा थोड़ी देर में घर की तरफ। कुछ देर यहीं पे रेस्ट कर लेता हूं, उसके बाद निकलूंगा घर की तरफ। आज हमारे यहाँ मौसम भी थोड़ा सुहाना किए हुए है, बारिश तो नहीं हो रही है लेकिन बादल छाए हुए हैं आसमान में। देखिए आप लोग भी, ना धूप है ना बारिश है, फिर भी आसमान में बादल हैं, ना हवा चल रही है। सो डिफरेंट टाइप का मौसम किए हुए है, काफ़ी उमस भरी गर्मी है। गाइज मैं समाहरणालय में आया हूँ, समाहरणालय परिसर में। यहीं पे थोड़ा सोच रहा हूँ वोटर ID प्रिंट आउट करवा लूँ। वोटर ID मेरा प्रिंट आउट नहीं है, तो सोच रहा हूँ वोटर ID प्रिंट आउट करवा लूँ। चलता हूँ थोड़ा ऊपर जाकर पता करता हूँ, समाहरणालय का परिसर इसी के ऊपर जाकर थोड़ा पता करता हूँ, वहीं पर होता है वोटर ID का प्रिंट आउट, तो थोड़ा जाकर पता करता हूँ। पहले पिछली बार आया था तो नहीं हो पाया था, इस बार देखता हूँ। गाइज मैंने पता किया था वहाँ पर जाके, लेकिन वहाँ बोल रहे हैं वहाँ से नहीं निकलेगा। सो आगे एक बिल्डिंग बता रहे हैं वहीं पर हो सकता है निकले, तो चलिए वहीं पे चलते हैं।
वहीं से निकालने की कोशिश करते हैं, पता करते हैं वहाँ से निकलेगा वोटर आई डी या नहीं निकलेगा। यहाँ पे तो मना कर रहे हैं, आने वाली छोटी सी बिल्डिंग है इसी में बता रहे हैं कि यहीं पे निकलेगा। तो चलिए आगे चलते हैं गाइस, पता करते हैं निकलता है वोटर आई डी या नहीं निकलता है। वैसे मेरा वोटर आई डी में काफ़ी मिस्टेक था, तो जिसे मैंने सुधार के लिए दिया था, तो ओरिजिनल वोटर आई डी था, तो वो मतलब काफ़ी मिस्टेक्स है उसमें, तो ऑनलाइन सुधार दिया था, तो उसमें वही ऑनलाइन निकालना है। यहीं पे सारे डिटेलिंग दूंगा तो यहीं से निकाल देगा शायद। तो चलिए देखते हैं गाइस क्या होता है। वोटर आईडी के लिए यहाँ से भी मना कर दिया कि यहाँ से भी नहीं मिल रहा है, पहले बनता था अब नहीं मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं, ब्लॉक ऑफिस चलकर देखते हैं या एक और जगह है वहीं पर चल कर देखते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र है वहीं पर चल कर देखते हैं कि वहाँ से मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। सरकारी काम में यही सब दिक्कत है कि बहुत मुश्किल होती है, बहुत परेशानी होती है, सिंपल सा काम भी लोग टाल देते हैं। तो यही रास्ता हमारा नाला है परिसर, पर यहाँ से वोटर आईडी तो मिल नहीं पाया। आप देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। गाइस देखिए यहाँ पे ई रिक्शा का वेट करते हैं, यहीं पे ई रिक्शा आता है तो ई रिक्शा लेकर चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। चलिए गाइस यहीं पे एक आंगनबाड़ी केंद्र है इसी गली में चलकर पता करते हैं। बहुत दिन पहले मैं पता किया था लेकिन वहाँ से नहीं मिल पाया था, तो चलिए देखते हैं इस बार पता करते हैं देता है इस बार कि नहीं देता है। इसी गली से होकर जाना, यहीं पर आंगनबाड़ी का केंद्र। फाइनली गाइस वेरी हैप्पी मोमेंट इन माई लाइफ, बहुत खुश हूँ आज मैं। बहुत दिन के बाद से मैं बहुत दिन से परेशान था कि मतलब कब मुझे मेरा वोटर आईडी कार्ड मिलेगा। देखिए फाइनली आज मुझे मेरा वोटर आईडी कार्ड मिल गया फ्रेंड्स, आज मैं बहुत हैप्पी हूँ। बहुत दिन से मैं परेशान था, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुके थे वोटर आईडी कार्ड नहीं मिल पा रहा था, आधार कार्ड पे सुधार नहीं हो पा रहा था, बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था मुझे वोटर आईडी की वजह से, वोटर आईडी ना हो पाने की वजह से। सो फाइनली मुझे मेरा वोटर आईडी कार्ड मिल गया फ्रेंड्स, नाउ आई एम वेरी मच हैप्पी। सो यू कैन सी गाइज मेरी फोटो है इस पर, सो आई एम वेरी मच हैप्पी नाउ गाइज। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, नेक्स्ट टाइम मिलता हूँ आपसे, तब तक सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए इस वीडियो को। सो थैंक यू गाइज, आई एम वेरी मच हैप्पी, पीस।